आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपने जो पराक्रम किया उस पर कुछ लोगों का ध्यान गया और उसका नतीजा ये हुआ कि चर्चा होते 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 अखबारों में आया होगा, लोग भी मिले होंगे, आपके स्कूल में आपकी वाहवाही हुई होगी। और आज यहाँ पर भी पिछले 5-7 दिन से लगातार टीवी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी तस्वीर दिखाते हैं, आपके मम्मी पापा भी बड़े खुश होते होंगे, देखो तुम्हारे कारण हमारा भी नाम रोशन हो रहा है। एक ऐसी पल थी जिसको आपने जी लिया, एक ऐसी घटना आपके सामने घट गई और आपने उस घटना को अपनी बना लिया, और वो पल थी जिसने आपने जी, वो पल चली जाती तो शायद उस घटना आपके जीवन का हिस्सा ना होती। और इसलिए एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप में कितना साहस है उससे ज्यादा आप में कितनी बड़ी निर्णय शक्ति है। आपने प्लस माइनस यस नो बाएं दाएं सब जो कुछ भी था एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देख लिया, तय कर लिया और अपने शरीर से एक्ट भी कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि किसी जिंदगी बच गई। आप भी शायद अब तंग आ गए होंगे कि भाई उस दिन हो गया, ठीक है हो गया, अब क्या बार बार मुझे यही सब लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो लोग तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप दूसरा पराक्रम नहीं करोगे। और पराक्रम का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही पराक्रम किया जाए, फिर आपको हर बात तो तालाब के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई डूब रहा है क्या, फिर छलांग लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन को कुछ मकसद के लिए जीना। आज 23 जनवरी क्या है मालूम है? मालूम है बच्चों को मालूम है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। हम लोगों ने एक आदत डालनी चाहिए, ये शोहरत मिल जाती है, अखबार की कटिंग भी रखोगे आप लोग, ले जाओगे साथ में, रखे रखोगे, 2 साल के बाद भी किसी को दिखाओगे। लेकिन इसको शुरुआत मानना चाहिए, ये मंजिल नहीं है, इसने आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है। एक छोटा सा बीज होता है, उसका सद्भाग्य है कि कोई उसको जमीन में गाड़ता है, लेकिन वो तब तक फलता फूलता नहीं है जब तक इसको पानी वगैरह उपलब्ध न हो। अब आपके जीवन में इस घटना ने एक इतनी बड़ी ताकत दी है, अवसर दिया है, हर किसी का आपको ध्यान जाने वाला है। अगर आप उसको अपने प्रयत्नों से पानी नहीं सींचोगे, परिश्रम से पसीना बहान करके नहीं सींचोगे, तो जो अंकुर पैदा हुआ है जीवन के बिल्कुल प्रारंभिक काल में वो मुरझा जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का शौक मन करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ने का इतना शौक होता है कि कहीं ट्रैवलिंग करते हो और रोड के बाजू में
पकोड़ा खाने के लिए खड़े हो गए और अखबार के टुकड़े में किसी ने पकोड़े दे दिए, तो पकोड़े खाते खाते भी अखबार पढ़ते रहते हैं। वो न्यूज़ नहीं होता है, वो तो पुराना अखबार है, लेकिन आदत है उसकी। कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं कि उसका मन वही लग जाता है, फिर वो पकोड़े का टेस्ट बाजू में चला जाता है, वो पढ़ता रहता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी आदत विकसित कर सकते हैं क्या? और अगर आपके जीवन में ये एक अवसर आया है पराक्रम का, क्या आप सर्वाधिक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र, ये जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ना चाहिए। छोटे बालक, छोटी किताब, 10 पेज की किताब भी आती है, बड़े बड़े अक्षरों वाली किताब आती है, उसको पढ़े। चित्र वार्ताएं आती है वीर बालकों की, वीर पुरुषों की, महापुरुषों की, खिलाड़ियों की, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। हमने पराक्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, लोग पहचानने लगे हैं, स्कूल में सब पहचानने लगे हैं, अब उसको सींच करके जीवन को एक मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। आप पराक्रम करते होंगे लेकिन खेलकूद में हिस्सा नहीं लेते होंगे। पराक्रम एक आपकी मन की अवस्था से उसके कारण पराक्रम हुआ, वो शरीर की अवस्था के कारण पराक्रम नहीं होते हैं। एक मन की अवस्था होती है, भीतर की मन की ताकत होती है जो पराक्रम कराती है। सामर्थ्यवान शरीर अच्छी मदद करता है, सामर्थ्यवान नहीं तो कम मदद करता है, लेकिन निर्णय मन करता है। और ये मन की मजबूती के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। उसको ट्रेन किया जा सकता है,